नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मैं कहा था कि आपको वीडियो का एविडेंस दूंगा, आपको सबूत दूंगा। आज वो वीडियो आपके सामने दिखाऊंगा। दोस्तों इससे पहले आप सभी को अनुरोध करता हूं कि दोस्तों हम अभी जितने भी वीडियो बन रहा, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि प्राणी को बचाने का जो प्रण हम सभी स्नेक सवार लिए हैं और जो ये स्नेक सवार प्राणी को बचाने का जो नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, तो इसको उनको त्याग करना, बंद करना होगा कि वो रियल वीडियो बनाए, सांप को जाए, रेस्क्यू करे और उसके साथ उस सांप को रिलीज करे, रिलीज दिखाए। जो व्यक्ति दिन भर हजारों सांप पकड़ रहा, 25 गो 20 गो 10 गो 20 गो, वो व्यक्ति रिलीज भी उतना ही दिखाना चाहिए, लेकिन उनका कोई भी रिलीज नहीं नजर आता है। उनका सिंगल जो सांप पकड़ते हैं वो पहले दिखाते थे, अभी जो एकाध को सांप पकड़ता है वो वीडियो नहीं बनता है। उसी सांप को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद उस सांप को जो है एक साथ कुआं में छोड़ा जाता है, तब उसका वीडियो बनता है। लेकिन अभी देखिए एकाध को वीडियो नहीं बन रहा, क्योंकि एक सांप पकड़ने का अब व्यू नहीं जा रहा। इसीलिए उनका टारगेट है कि जो छोटा मोटा रेस्क्यू, उसका वीडियो नहीं बनाना है, उसको कलेक्ट करके रखना है और फिर उस सांप को एक साथ कुआं में छोड़ के वीडियो बनाना है। कुआं में छोड़ना है, कहीं भी छोड़ना है, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात रहा कि दोस्तों सुन लीजिए, हमारा वीडियो में मैं अक्सर आपको बताता हूँ, ये देखिए ये स्पेक्टिकल कोबरा है, ये रसल वाइपर है, इसका जहर इतना से इंसान का मौत होता है। स्पेक्टिकल कोबरा, कोबरा का जहर इतना फॉल्सबाइट होता है, इसीलिए आप डरे नहीं। सांप काटेगा तो ये मतलब नहीं आपका जान चला जाएगा, एंटीवेनम लेना है, तुरंत आपको बाइट मार भेजिए, मैं तुरंत आपको बता दूंगा। बाइट मार के साथ साथ आपको ए टू जेड सांप का बेहतर से बेहतर नॉलेज, गंभीर से गंभीर आपको जानकारी देता हूँ, ताकि आपको सांप से जुड़े आपको जानकारी चाहिए, आपका मरीज, आपके घर वाले बचे उस जानकारी से। लेकिन ये नहीं, मैं किसी भी जगह जाता हूँ और अगर जाके उस जमीन को, सरजमीन को प्रणाम करता हूँ, आप मेरे हृदय में बैठते हैं, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में ये मतलब है आपको ज़्यादा, ये करके आपको सिर्फ इमोशनल से आपको खेला जा रहा, आपके इमोशनल से खेला जाता है। जैसे जाते हैं वहाँ पर घुटना टेक के ये कहा जाता है इस सरजमीन को प्रणाम, आप सोचते वाह क्या इंसान है। ये करके सिर्फ इंडियन जो भारतीय हम होते हैं बहुत सीधा साधा होते हैं, बहुत बोले वाले होते हैं, बहुत जल्दी जो है किसी को दिल दे बैठते हैं, किसी को बहुत अपना दिल में स्थान देते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा कमजोरी है, जिसके कारण कुछ चालाक आदमी सिर्फ हमारा इमोशनल से खेलते हैं। ये सबसे बड़ा है। हम देखिए बहुत बड़े बड़े बाबा भी आया है जिसको तुरंत संस्कृत में ऑनर्स कर लिए, 4 गो प्रवचन दिए, उसको आप भगवान मान लिए, फिर उसी को जब गलती पाते हैं तब वो भगवान जेल में होते हैं। तो इसीलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, प्लीज मीठा वाणी से बेहतर है कड़वा वाणी, जो सच हो, जो अच्छा हो, जो आपके काम के हो। और अब सबसे बड़ी बात है, इस तरह इमोशनल से खेलना ये सबसे बड़ा गलत है। आदमी को सोचते हैं कि भाई हम किसी का घर जाएं उसको प्रणाम, भाई सर प्रणाम, सर सर आप मेरे लिए सब कुछ है, उसको ये सब चापलूसी नहीं। आप सांप का चैनल चला रहे हैं तो सांप का जो सही है काम वो कीजिए। मेरा चैनल में मैं ये अक्सर सांप से बेहतर जानकारी देता हूँ, ताकि आपका काम आ। आज पहला आप वीडियो देख लीजिए दोस्तों, जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा था कि सच्चाई क्या है, इस वीडियो में पूरी तरह आपको सच्चाई, पूरा पोल खुल जाएगा। दोस्तों देखिए, एक ही रूम में जहां पर मिर्जा भाई पहले किंग कोबरा रेस्क्यू किए, जिस रूम में उड़ीसा में सांप निकलता है, मिर्जा भाई जाते हैं रेस्क्यू करते हैं और इनको पता चलता है कि मिर्जा भाई सांप रेस्क्यू किए, तुरंत पहुंच जाते हैं बिना बताए और वहां मिर्जा भाई को बोलते हैं भाई प्लीज हमको भी इसी सांप से रेस्क्यू करना दो, क्योंकि किंग कोबरा कभी मैं पकड़ा नहीं। चलिए, उस किंग कोबरा को जिस व्यक्ति का घर से पकड़ा गया था उसी का उसी रूम से उस छोड़ के वीडियो बनाया, देख लीजिए दोस्तों दोनों का फर्क। दोस्तों ध्यान से देखिए, दोनों वीडियो का रूम सेम है और देखिए इलेक्ट्रिक का ये जो बोर्ड है, दोनों बोर्ड मिर्जा भाई और मुरली भाई के पास दोनों सेम नजर आ रहा, कि ये जो नेट है, जो खटिया है लाल कलर का, ब्राउन कलर का, और सेम आपका मुरली वाला भाई का मैं दिखाते, देखिए ये देखिए उनका पैर के पास जो जाली है वो सेम जाली है, और ये चक्का का ऊपर इधर चढ़ रहे हैं मिर्जा भाई, सेम चक्का है, देखिए इधर मुरली भाई के पास भी दोनों चक्का, और देखिए दोनों रूम का देखिए सेम रूम, और देखिए दोनों का जाली जो ऊपर में तार जो जहां लटक रहा, दोनों रूम में देखिए सेम, एक ही वीडियो में दोनों तार लटक रहा, ध्यान से देखिए दोनों दीवार देखिए, दोनों ये देखिए, और उसके साथ साथ दोनों का ध्यान से देखिए उनका देखिए सिर के पास दोनों जो जाली है, दोनों जाली दोनों तरफ देखिए, इधर मिर्जा भाई के पास जो जाली लगा हुआ सेम जाली मुरली भाई के पास भी लगा हुआ, देखिए
उसके साथ साथ दोस्तों देखिए ऊपर पलंग का ऊपर में तार लटक रहा, वो भी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए पलंग का ऊपर में जो देखिए मिर्जा भाई को तार लटक रहा, और सेम जो है मुरली भाई का वीडियो में भी देखिए। दोस्तों आप देख रहे थे दोनों वीडियो में एक ही माँ, एक ही पलंग, एक ही दीवार, एक ही स्विच बोर्ड, एक ही साइकिल का चक्का दोनों तरफ, और उसी में एक ही देखिए पलंग में एक बोरा, लाल और व्हाइट बोरा दोनों में सेम। और इसी वीडियो में आप देख रहे हैं एक वो चारपाई है जो रेड कलर का क्रॉस बिना हुआ है रस्सी से दोनों तरफ दोनों का। आप वीडियो गौर से देखिए दोस्तों, आप क्या पोल खोलेंगे, आप कितना बताएंगे दोस्तों सच्चाई क्या है। अब जो जिसको मानना नहीं है वो नहीं मानेगा, अलग बात है। और इसी तरह और भी बताएंगे, लेकिन पहले आप छोड़ दीजिए सब काम करना। कल से मुझे कोई वीडियो बनाने का जरूरत नहीं है, मैं कल से फिर सांप का जानकारी बेहतर से बेहतर जानकारी दूंगा पब्लिक को जिसको फायदा हो। लेकिन आप वन प्राणी को इस तरह तकलीफ देंगे मारेंगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग आदमी का देख रहे थे, मैं आवाज़ दिया था, वॉइस दिया था, वो आदमी खुद फोन कर बताए, वो आदमी देख रहे हैं जिस रूम में बनाए थे उसी रूम का ऑनर जो सिर्फ खाली बदन में एक जौनर पहन के खड़े थे बुजुर्ग, वो है। मैं बापी दा स्नेक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ, बापी दा जो सांप का। नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार। आपका नाम सुना हूँ मैं। जी 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 ठीक है। आप गंजाम से बोल रहे क्या? नहीं नहीं गंजाम से नहीं बोले, मैं झारखंड धनबाद से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं हूँ उड़ीसा का हूँ, हाँ जलेसर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, लेकिन झारखंड में यहाँ मेरा हॉस्पिटल है, सांप काटने का इलाज होता है। ठीक है। अच्छा 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 जी जी। तो वही बात है कि वो आदमी व्यक्ति जो है मुरली वाले, तो वो हर घर में जा रहे हैं उड़ीसा में। सुनिए सुनिए वो क्या हुआ, वो मुरली वाला वो विजय भाई के साथ तो दूसरी हाँ, 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 हाँ। वो एक बार बोला उसको हाँ, आप वो किंग कोबरा पकड़ते हैं तो मेरे को एक बार दीजिएगा हाँ, मैं अभी तक वो किंग कोबरा हाथ में हाथ नहीं लगाया है, पकड़ा नहीं है। हाँ। वो इसलिए वो उनका साथ आया था, उनके पास मिर्जा के पास आया था हाँ। हमारा घर को इधर सांप छोड़ने के लिए मिर्जा ही जा रहे थे हाँ। तो किंग कोबरा को पकड़ के तो उनको हाँ। जंगल में छोड़ने के लिए जा रहे थे हाँ। समझे कि नहीं हाँ। तो उसी टाइम उनका साथ आए थे हाँ। वो उनको रिक्वेस्ट किया, हमारा सामने रिक्वेस्ट किया हाँ। कि हमको एक बार दीजिए मैं हाथ में पकड़ूंगा हाँ। ऐसा हुआ था, वो वही सांप को थोड़ा पकड़ के मैंने आपके आपके घर में छोड़ के वीडियो बनाए थे। वीडियो बनाया था हमको, इसीलिए 3,000 रुपया दिया था। तो 3,000 से 3,000 सिर्फ हाँ हमको बोला कि आपको 3,000 रुपया देंगे हाँ। ज्यादा बोले थे हाँ। 5,000 रुपया देंगे हमको, एक बार को दीजिए मौका दीजिए आपके घर में सांप को छोड़ के एक शिक्षित शिक्षक है और उन्हीं को पैसा दे के उनका घर में जबरदस्ती वीडियो बनाने का कोशिश किया, जो कि मना किए थे। उनके घर में कहा गया भाई ये वीडियो बनाए, हम बनाएंगे और आपको पैसा देंगे। 6,000 का जगह 3,000 दिया गया। अब रहा बाकी जो वादा किए थे कि 5,00,000 रुपया, उस 5,00,000 हमको नहीं चाहिए दोस्तों। वहां पर जौनपुर में जो गरीब व्यक्ति है उन्हें वो 5,00,000 रुपया दे वो देंगे कि हमें वहाँ भेजना होगा। मैं जितने भी वहाँ गरीब व्यक्ति है सभी को भेजने वाला हूँ, आप प्लीज उस गरीब व्यक्ति को 5,00,000 दे दीजिए, क्योंकि इसके बाद सबूत और इसी तरह मिलते रहेगा। ये तो कुछ नहीं, इससे भी और बेहतर बेहतर आपको सबूत देते रहेंगे, और 5,00,000 आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर में आ रहा हूँ। तो आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।